नमस्कार दोस्तों, कर्मजा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कृदंत प्रकरण और आज का हमारा जो प्रत्यय है वो है नियत प्रत्यय। नियत प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो है री हलो नियत। भट्टोजी दीक्षित जी ने इसके लिए जो वृत्ति काम में ली है वह है री वर्णांताद हलंताच धातु नियत स्यात्, यानी री वर्णन री वर्ण जिनके अंत में हो ऐसी धातुएं और हलंत धातुएं उनसे नियत प्रत्यय होता है। उदाहरण एक उन्होंने दिया कार्यम और एक उदाहरण दिया उन्होंने वर्ष्यम। कार्यम वृद्धि का उदाहरण है और वर्ष्यम गुण का उदाहरण है। क्योंकि क्री धातु है इससे आर वृद्धि हुई तो कार्य बना है और वर्ष्यम में उगंत लघु पदस्य च इससे गुण हुआ है तो वर्ष्यम बना है वृष धातु से। चलिए हम इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। सूत्र है हमारा री हलो नियत। कौन कौन से सूत्रों का अधिकार आता है सबसे पहले ये जानते हैं। इसके ऊपर सबसे पहला अधिकार है प्रत्यय है, यानी ये प्रत्यय करता है प्रत्यय के अधिकार के कारण। दूसरा परस्य है, जो प्रत्यय होंगे वो कहाँ होंगे, परे होंगे यानी बाद में होंगे। प्रत्यय जो होंगे वो धातु से होंगे यानी धातु के बाद में होंगे। प्रत्याह जो भी ये प्रत्यय हो रहे हैं अभी नियत प्रत्यय ये कृत्य संज्ञक है। और आद्युदातश्य जिन धातुओं के अंत में ये प्रत्यय जुड़ते हैं वे उसके बाद में शब्द बनाते हैं वे शब्द जो हैं वे आद्युदात होते हैं, यानी उस शब्द का पहला जो स्वर होता है वो उदात होता है। अब हम सूत्रार्थ निकालते हैं तो सूत्रार्थ ये है रिवर्णांत और हलंत धातु से परे भाव एवं कर्मण नियत प्रत्यय होता है। यानी रि जिसके अंत में हो ऐसी धातु और हलंत धातु यानी व्यंजन जिसके अंत में हो ऐसी धातुओं से नियत प्रत्यय होता है। अब हम कुछ विशेष बातें देखते हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि नियत प्रत्यय कृत्य संज्ञक हैं कृत्या इस सूत्र के कारण से। हालांकि कृत प्रत्यय तो है ही लेकिन उनकी एक अलग से संज्ञा है कृत्य। कृत्य संज्ञा होने से क्या होता है कि एक सूत्र है हमारे पास तयोरेव कृत्यक्त खलर्ता। ये सूत्र क्या करता है कि कृत्य संज्ञक प्रत्ययों को भाव एवं कर्म में भाव एवं कर्म अर्थ में करने के लिए कहता है कि ये जो प्रत्यय होते हैं कृत्य प्रत्यय ये भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में होते हैं। भाव का मतलब या धातु से या क्रिया से होता है। अब नियत प्रत्यय जो होता है इसमें हमें दिखते हैं ये आदरण है ये इसमें ए है और ये तय ये वर्ण हमें दिखाई देते हैं। इसमें तय जो अंत में है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है तो ये तय गायब हो जाएगा यहाँ न्य बचेगा। न्य में जो ये न है इसकी चूटू सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और यह भी तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है तो यह भी गायब हो जाता है तो केवल यह बचता है हमारे सामने केवल यह शेष रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाणिनि जी ने इस न की और तय की संज्ञा क्यों की, वह केवल यह प्रत्यय भी बोल सकते थे लेकिन इसके प्रयोजन है हम प्रयोजन पे जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले हम नियत प्रत्यय में जो तकार है यह हम देख रहे हैं नियत प्रत्यय इसमें जो तकार है आखिरी वाला तय इस तय की संज्ञा करने का प्रयोजन उनका ये था कि तित स्वरितम एक सूत्र है स्वर प्रक्रिया का। इस तित स्वरितम सूत्र के द्वारा जो प्रत्यय का आदि स्वर है ध्यान रखना है शब्द का प्रथम स्वर नहीं प्रत्यय का जो प्रथम स्वर है उसको स्वरित किया जाता है। प्रत्यय हमारे पास में नियत है नियत में केवल यह शेष बचेगा जो धातु में जुड़ेगा उस यह में प्रथम स्वर यानी ए है यह और इसमें ए ये जो ए है इसको स्वरित किया जाएगा तो इसलिए तय का अनुबंध किया गया है यानी इत संज्ञा की गई है। इसी प्रकार नय का अनुबंध किया गया है यानी नय की भी इत संज्ञा हुई है और उसका लोप हुआ है तो उसका प्रयोजन क्या है तो उसका प्रयोजन अचुण्णिति एक ऐसा सूत्र है ये यित उन्नित प्रत्यय जहाँ सामने हो उन ऐसी स्थिति में उनके स्वर को
यानी अजंत धातु के स्वर को वृद्धि करता है। तो इस वृद्धि करने के लिए इस नकार अनुबंध का प्रयोग किया गया है। नकार अनुबंध करने से यह जो प्रत्यय है वो नित हो जाएगा, उन्नित होने से यह हमारा अचुन्निति वहाँ प्रवृत्त होगा। और इसके अलावा एक हमने सूत्र पढ़ा था अचोयत, अचोयत जो सूत्र है वो कहता है कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय करता है, अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है, लेकिन रिवर्णवन री जिन धातुओं के अंत में होता है ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय न हो करके न्यत प्रत्यय होता है। ये इसलिए अचोयत इस सूत्र का रिहलो न्यत यह सूत्र अपवाद है, यानी अचोयत को बांध देगा, यत प्रत्ययवान नहीं होगा रिवर्ण अंत वाली धातुओं से, और यहाँ पर रिहलो न्यत सूत्र से न्यत प्रत्यय होगा। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। कार्यम एक उदाहरण हमारे सामने था, तो हम उसी का प्रक्रिया बना करके देख रहे हैं। डू क्रिय करने इसमें धातु है, इसकी हम इस संज्ञा करते हैं तो क्रि शेष रहता है, यहाँ पर री अंत में है इसलिए री हलो न्यत सूत्र से न्यत प्रत्यय हो गया है, और न्यत प्रत्यय होने पर इसकी संज्ञा और तस्य लोप से लोप होता है तो केवल यह शेष बचता है, ये हमने पहले देख लिया था। और इसके बाद में अचुन्निति, चूँकि नियत प्रत्यय में नय की संज्ञा हो गई है इसलिए अचुन्निति यह सूत्र वृद्धि करता है, का हो जाएगा। उरण रप्र एक सूत्र है, यह कहता है कि जहाँ वृद्धि होगी री को वहाँ रप्रत्व भी होगा, तो ये कार के रूप में वृद्धि हो गई है उरण रप्र के कारण से, और उसके बाद में नियत प्रत्यय का यह शेष रहता है। इनको जोड़ देते हैं तो कार्य ऐसा बनता है। इसकी हम कृत तद्धित समासाश्रय इस सूत्र से हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं क्योंकि कृत प्रत्यय है, और फिर सवोजस ये जो सूत्र है इससे हम प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में सु प्रत्यय करते हैं। सु का केवल स शेष रहता है, वो कीत संज्ञा हो जाती है उपदेशे अजननासिक इत सूत्र से। फिर अतो अम सूत्र ये नपुंसक लिंग में सु को अम कर देता है, तो कार्य धन अम ऐसी स्थिति हमारे सामने हो गई है। उसके बाद में अमी पूर्व है, इससे अम को पूर्व रूप हो जाता है, तो पहले अ था यहाँ कार्य में अ था और बाद में अ था, इस बाद वाले अ का भी पूर्व रूप यानी ये अ ही हो गया है, तो कार्यम ऐसा रूप हमारे सामने बनता है नियत प्रत्यय करने पर। अब हम दो ऐसे सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं जो हमें बाकी प्रयोगों में काम में देंगे। एक सूत्र है चजो कु घी नितो, यानी चजा चकार और जकार इन दो वर्णों को कुत होता है, कब होता है घित और नित प्रत्यय पर। घित यानी जिसमें घ की संज्ञा हुई हो ऐसा प्रत्यय सामने हो, या फिर नित प्रत्यय सामने हो। भट्टो जी दीक्षित जी ने जो कहा है इस सूत्र के बारे में हम देखते हैं। चजो हो कुत्वम शाद घिति नति चय परे, यानी चय और जय को कुत्व होता है, कुत्व होगा तो क्या होगा चय को क होगा और जय को गय आदेश हो जाएगा। उदाहरण है वाक्यम, यानी वच धातु से चय जो था वच धातु में अंत में चय था इसको गय हो गया है, ओ सॉरी इसको क हो गया है। अगला हम सूत्र देखते हैं, एक सूत्र है मृजेर वृद्धि। अब यहाँ क्या होता है कि अचुन्निति जो सूत्र है यह अजंत धातुओं को वृद्धि करता है, अंतिम स्वर की वृद्धि करता है, लेकिन मृज धातु हलंत है, ऐसी स्थिति में यहाँ पुगंत लघुपदस्य छ इस सूत्र से गुण प्राप्त होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए ये सूत्र बनाया गया है मृजेर वृद्धि। भट्टो जी दीक्षित जी ने इस सूत्र के बारे में लिखा है मृजेरिको वृद्धि सार्वधातु कार्ध धातु कयो, यानी सार्वधातु और आर्धातु के परे मृज के इक को वृद्धि होती है, मृज में एक री है तो इसको वृद्धि होगी न कि गुण होगा। उदाहरण है मार्ग्य है। अब हम इस मार्ग्य को प्रयोग के रूप में समझते हैं। मृज धातु है, मृज धातु से री हलो नियत, हलंत धातु से नियत प्रत्यय हुआ है, नियत में केवल यह शेष बचेगा
बाकी की इस संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। आर्धातुकम शेषेशे आर्धातुक संज्ञा, और फिर ऐसी स्थिति में पुगंत लघु पदस्य च इस सूत्र से गुण प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर मृजर वृद्धि इसको बाध करके गुण न करके वृद्धि करेगा और अपरत्व हो जाएगा, तो मार्ज धन ये ऐसा रूप हमारे सामने होगा। यहीं पर चजो कु गिन्य, तो ये सूत्र जो है इस जय को गय करेगा तो मार्ग धन ये ऐसा रूप बनेगा, जोड़ देंगे तो मार्ग ये बनेगा। फिर हम उसके कृत तद्धित समासाशय इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सोज सूत्र से हम सू लाएंगे, सू के ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा होने के बाद में सस जो सरो सूत्र है उससे स को र हो जाएगा, इस रह का खर वसानीय विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाएंगे, तो मार्ग है ऐसा रूप बनेगा। अब हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। रिय हरणे ये धातु है, इसे हम नियत प्रत्यय करेंगे। रिय में री शेष रहता है, नियत प्रत्यय करेंगे नियत में भी यह शेष बचेगा, अचुन्नति से वृद्धि होगी तो हार्यम ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार धी धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो धार्यम, री धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो आर्य है, ये पुल्लिंग रूप है, ये नपुंसक लिंग रूप है। पच धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो पाक्यम, यहाँ पर अतुपदाया सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। और वच धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो वाक्यम। इन दोनों उदाहरणों में इस पच के चय को चजोकु घिन्यत्तो से कह हो गया है, इसी प्रकार वच धातु में भी चय को कह हो गया है। आगे है कुप धातु से कोप्यम, यहाँ लघुपद गुण हुआ है, इसी प्रकार गुण धातु से गोप्यम। अपधातु से आप्यम और प्र उपसर्ग पूर्वक अपधातु से प्राप्यम। भुज धातु से नियत करेंगे तो यहाँ पर भोग्यम बनता है अन्य अर्थ में, लेकिन यदि ये भक्ष्य अर्थ हो तो उसके लिए एक सूत्र है भोज्यम भक्ष्य, वह इसको भोज्यम निपातन करता है न कि भोग्यम। यहाँ चजो को घिन्यतो से गय होता है, लेकिन यदि ये खाने के अर्थ में हो तो भोज्यम होता है, और यदि अन्य अर्थ हो तो भोग्यम होता है। इसी प्रकार वर्षम, वर्षम जो है वृष धातु से नियत प्रत्यय करेंगे और उगंत लघुपदेश जैसे गुण करेंगे तो वर्षम ऐसा रूप बनेगा। इसके अलावा यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स देखने हैं तो आप हमारी साइट विजिट करें www.karmaja.com, और वहां पर आप अभ्यास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट टेस्ट दे करके अपना अभ्यास भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।